नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। इस तस्वीर पर निगाह डालिए दोस्तों, जानते हैं ये चार कौन हैं? ये चार हैं 4x400 रिले रेस में भारत का नाम रोशन करने वाले चार खिलाड़ी। दोस्तों, फाइनल से पहले इनका इतना शानदार प्रदर्शन था कि इन्होंने अमेरिका की दिल की धड़कनें रुकवा दी थी। फाइनल्स में ये लोग बेशक पांचवें नंबर पर आए हों, मगर उससे पहले इनका जो शानदार प्रदर्शन था वो कमाल का था। और फाइनल में भी उन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड कायम किया है पांचवें नंबर पर आकर। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आज मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। मुझे कायदे से नीरज चोपड़ा की चर्चा करनी चाहिए, जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। दोस्तों, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और अब यहां गोल्ड मेडल, और पिछले 40 सालों में यह कीर्तिमान किसी ने स्थापित नहीं किया था, नीरज चोपड़ा ने किया है। मगर आज मैं उन चार खिलाड़ियों का क्यों जिक्र कर रहा हूं, तो इनके नाम क्या है आपकी स्क्रीन पर? राजेश रमेश अजमल, अमोज जेकब और अनस याहिया। हिंदू भी, मुसलमान भी और ईसाई भी। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे बेहतर क्या मिसाल हो सकती है सांप्रदायिक एकता की कि जब हिंदू मुस्लिम ईसाई एक साथ हों तो हम कमाल कर सकते हैं। यह टीम एक मिसाल है पूरे देश की, जिस देश का मीडिया आज रोज प्राइम टाइम में जहर उगलकर इस देश को बर्बाद करना चाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बधाई दी, मगर प्रधानमंत्री आपने जो बधाई दी, क्या इस तस्वीर के पीछे की हकीकत को आप देख रहे हैं? इस तस्वीर का जो संदेश है, जो खूबसूरत संदेश है, क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो समाज के अंदर जहर बोने का एक मौका नहीं छोड़ते। आप खुद प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर जाकर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाले बयान देते हैं, मगर आज जिस तस्वीर को लेकर आप बधाई दे रहे हैं वो तस्वीर पूरे भारत को लेकर संदेश है। एक ऐसे हफ्ते जब देश से दो शर्मनाक तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। सबसे पहली तस्वीर तृप्ता त्यागी नाम की ये टीचर। इस टीचर तृप्ता त्यागी ने अपने क्लास के मुस्लिम लड़के को क्लास के बाकी हिंदू लड़कों से बेरहमी से पिटवाया, लगातार पिटवाया। और उस मुस्लिम लड़के ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पिटाई बहुत देर तक चलती रही। वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, और टीचर ने कहा कि मुझे अपनी कथनी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। और शर्मिंदगी होती भी क्यों, क्योंकि सांसद संजीव बालियान जो हैं उनके घर जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाता है कि मैं तृप्ता त्यागी का समर्थन करता हूं। इन्होंने ये सब चलाया दोस्तों, और सांसद पहुंच जाते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। टिकैत बंधु, उनमें से एक नरेश टिकैत, वो कहते हैं कि साहब, हम जो FIR दर्ज की गई है तृप्ता त्यागी के खिलाफ, वो FIR हम निरस्त कर देंगे, उस FIR को हम हटा देंगे। जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि उस मुस्लिम लड़के को लगातार पीटा जा रहा था, उस परिवार पर दबाव है, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि उस पिता ने अपने बेटे को उस स्कूल से बाहर निकलवा दिया था। ये तमाम तथ्य हैं। तब भी तृप्ता त्यागी का समर्थन नरेश टिकैत भी करते हैं और संजीव बालियान भी करते हैं। एक तो ये टिकैत बंधुओं का किरदार मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि नरेश टिकैत तो ये तमाम बातें करते हैं, मगर राकेश टिकैत, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नूह में अगर एक और सांप्रदायिक यात्रा निकाली जाएगी तो हम किसान जो हैं अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाएंगे। तो एक ही परिवार के अंदर दो भाई अलग अलग जुबानों में कैसे बात करते हैं? मैं समझ सकता हूं भाई कि एक परिवार के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं,
मगर जो काम तृप्ता त्यागी ने किया उसे जायज किसी भी सूरत में नहीं ठहराया जा सकता। जो उन्होंने किया उसके लिए वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि मामला सांप्रदायिक नहीं है। अगर मैं दो मिनट के लिए मान लूं कि मामला सांप्रदायिक नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सवाल, उस क्लास के अंदर ऐसी कितनी मिसालें रही हैं जहां एक लड़के को खड़े करके बाकी तमाम विद्यार्थियों से लगातार थप्पड़ मरवाए गए? कितनी मिसालें रही होंगी? और एक और सवाल, अगर मैं मान लूं कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से टीचर जो है वो कई बच्चों से उस लड़के को खड़े करके थप्पड़ मरवा रही थी और ये तक कह रही थी कि बहुत धीमा मार रहे हो और तेज मारो, और उस लड़के के आंखों में आंसू थे, क्या ये जायज था? क्या ये एक अध्यापिका को करना चाहिए? मगर उन्होंने ऐसा किया अपनी विकलांगता का हवाला देते हुए। सबसे शॉकिंग ये कि एक सांसद पहुंचकर उनका समर्थन करते हैं, भाजपा के एक नेता पहुंचकर उनका समर्थन करते हैं, जो कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। किसान नेता कहते हैं कि हम FIR जो है वो हटवा देंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 घंटे और कम से कम पिछले 7-8 सालों से जो जहर हमारी नसों में पिरोया जा रहा है, उसी का परिणाम हमें नेहा पब्लिक स्कूल में दिखाई देता है। और सिर्फ नेहा पब्लिक स्कूल में नहीं दोस्तों, जो जम्मू के कठुआ में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। वहां जानते हैं आप क्या हुआ? इन खबरों के मुताबिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया था। उस स्कूल में काम कर रहे एक मुस्लिम टीचर को इतना गुस्सा आया कि पहले तो उस बच्चे को प्लेग्राउंड में ले जाकर पीटा, फिर उसे घसीटते हुए ले गया प्रिंसिपल रूम में, और प्रिंसिपल रूम ने दोनों ने मिलकर उस बच्चे को पीटा। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया था। कम से कम अगर हम इन खबरों पर विश्वास करें तो नफरत देखिए दोस्तों कितनी है अंदर। और यह नफरत सामान्य नहीं है, यह नफरत हमारे नागरिकों के अंदर बाकायदा मास मीडिया के इंजेक्शन के जरिए डाली जा रही है, समाहित की जा रही है। और इस नफरत, इस जहर से पार पाने में हमें बहुत लंबा अरसा लगने वाला है। कुछ देर के लिए अगर हम मान लें कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा बीजेपी हार जाती है और कोई और सरकार आती है केंद्र में, यह नफरत खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि समाज में यह नफरत इसकी जड़ों तक समाहित हो गई है। मैं यह विश्वास करता हूं कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो कम से कम वो आत्ममंथन करेगी कि जो जहर समाज के नसों में प्रवाहित किया जा रहा है उसका नुकसान कितना है समाज को। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों, एक और खबर आई है दोस्तों, जमशेदपुर के गोलमुरी में एक मुस्लिम छात्र को उसी के सहपाठी इसलिए पीटते हैं क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाता। इस ट्विटर हैंडल का यह दावा है कि लगभग उसे लिंच कर दिया गया था, उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। बाद में यह बताया जा रहा है कि मंच पर पहुंचकर उसने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। मगर अगर यह खबर सही है तो मॉब लिंचिंग करने वाले उसके अपने सहपाठी। जो तीनों मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं उसका क्या अर्थ है? पहले मिसाल में एक अध्यापिका एक मुस्लिम स्टूडेंट पर अत्याचार करती हैं, बेरहमी से उसकी पिटाई करवाती हैं। दूसरी मिसाल जहां एक मुस्लिम टीचर एक हिंदू लड़के पर बुरी तरह से जुल्म करता है, इस कदर पिटाई होती है उसकी कि अब वो अस्पताल में भर्ती है, गंभीर हालत में है, उसे अंदरूनी चोटें भी आई हैं। और तीसरी मिसाल जमशेदपुर की गोलमुरी में जहां एक मुस्लिम स्टूडेंट को उसके अपने क्लासमेट्स बुरी तरह से पीटते हैं। यह सब हो रहा है न्यू इंडिया में और यह सब हो रहा है अमृतकाल के नाम पर। यह सब हो रहा है न्यू इंडिया के संगोल युग में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं G20 समिट भारत में शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि इन 10 दिनों में आपको असुविधा हो सकती है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि इन 10 दिनों में समाज को आपसी भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत संदेश है।
और मैं आपको बतलाना चाहता हूं ऐसा संदेश वो क्यों दे रहे हैं। आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में यह कहता है कि आज तो हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी और उसके बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं, 70 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री आज अपील कर रहे हैं कि भैया 10 दिनों के लिए आपसी भाईचारा बनाए रखना। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सिर्फ 10 दिन क्यों? जब भी समाज के अंदर कोई नफरती बात सामने उभर कर आती है आप सामने क्यों नहीं आते? आप नफरती लोगों से अपील क्यों नहीं करते? सिर्फ G20 के लिए प्रधानमंत्री की अपील क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आपके सामने दो मिसाल हैं, एक तो वो मिसाल जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में दी कि वो चार खिलाड़ी जिनमें दो मुसलमान हैं, एक ईसाई है और एक हिंदू है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। दूसरी मिसाल G20 जहां आपको आपसी भाईचारे की अपील करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री। ये काम तो आपको मुजफ्फरनगर में भी करना चाहिए था ना, जब वो अध्यापिका की मिसाल सामने उभर कर आई थी। ये काम तो आपको हर बार करना चाहिए जब समाज के अंदर नफरत के जरिए लोगों पर निशाना साधा जाता है, तब आप खामोश क्यों रहते हैं? और ऐसा क्यों होता है प्रधानमंत्री कि जब भी कोई चुनाव आता है तब आपके लहजे में भी वो नफरत सामने उभर कर आती है? चाहे देश के अल्पसंख्यकों की तुलना आतंकवादियों से करना, चाहे शमशान कब्रिस्तान करना, चाहे ये कहना कि आप कपड़ों से दंगाइयों को पहचान सकते हैं, ये तमाम जो बयानात हैं प्रधानमंत्री आपके वो दिक्कत पैदा करने वाले हैं, वो प्रॉब्लमैटिक हैं, इनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, इसके होने वाले असर से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए अगर आप G20 को लेकर अपील कर रहे हैं तो आपको हर बार अपील करनी चाहिए, क्योंकि इस समाज को जरूरत है एकता की। वो एकता, वो सांप्रदायिक सौहार्द जिसे नोचा जा रहा है। नूह में प्रशासन कहता है कि विश्व हिंदू परिषद को यात्रा निकालने की इजाजत नहीं है, मगर विश्व हिंदू परिषद कहता है तुमसे जो मर्जी होता है कर लो, हम तो निकालेंगे, हमें प्रशासन से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है गुरुग्राम में, दिल्ली NCR के इलाके में, कोई अंदरूनी जिले या किसी गांव कस्बे में नहीं, गुरुग्राम में हो रहा है प्रधानमंत्री, जो हमारा IT हब है, जहां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हम क्या मिसाल पेश कर रहे हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नूह में सांप्रदायिक हिंसा होती है, क्या आप G20 को उससे बचा पाएंगे? या नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, हम आखिर सुरक्षा को लेकर क्या मिसाल पेश कर रहे हैं G20 को? या फिर अभी कुछ ही हफ्तों में जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, वर्ल्ड कप क्रिकेट, जब हमारे बड़े बड़े शहरों में नफरती यात्राएं निकाली जाती हैं, जब हमारे बड़े बड़े शहरों में दंगे होते हैं और प्रशासन आंख मूंदे सब कुछ देख रहा होता है। प्रधानमंत्री, जब मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक RPF का जवान 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिनमें 3 मुसलमान होते हैं, और मौत के घाट उतारने के बाद वो ये कहता है कि वोट तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी को दें, तो क्या आपको यह सुनकर अच्छा लगता है? आप उस मुद्दे पर भी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ये बात अलग है कि जब किसी क्रिकेटर की छोटी उंगली में चोट लगती है तब आप उस मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, मगर मजाल है, ये तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं प्रधानमंत्री, मगर आप चुप्पी साधे रहते हैं। यह बहुत जरूरी हो गया है कि नफरत के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करें। अगर नफरत के जरिए आप वोट्स हासिल करना चाहते हैं तो लानत है ऐसी राजनीति पर। ये वोट हासिल करके अगर आप मेरे देश को जला रहे हैं तो क्या फायदा ऐसे वोट का? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास बड़े बड़े दिमाग हैं, सोचिए ना कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं वोट हासिल करने के, मगर क्या आपको यही तरीका मिला है? और जो वो 4 खिलाड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं, क्या ये देश के लिए मिसाल नहीं हो सकती? मिसाल हो सकती है ना,
क्योंकि उसके अलावा समाज में क्या हो रहा है मैं आपको बतला चुका हूं। चाहे मुजफ्फरनगर में तृप्ता त्यागी हो, चाहे जम्मू के कठुआ में एक मुस्लिम टीचर द्वारा सिर्फ जय श्री राम लिखने पर एक बच्चे की पिटाई हो, या फिर मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक आरपीएफ का जवान जब चार लोगों को मौत के घाट उतार देता है सिर्फ उसी नफरती प्रोपेगेंडा की बदौलत जो प्राइम टाइम टेलीविजन रोज परोसता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि चलिए बीजेपी तो भूल जाइए, मगर आप जो इस देश की जनता हैं आप खुद को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, आप अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। आपको बोलना होगा, आपको इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, क्योंकि सवाल आपका नहीं आपके बच्चों का है, उनके आने वाले भविष्य का है। क्या आप इस नफरत के खिलाफ बोलेंगे? मुझे उम्मीद तो कम है दोस्तों, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे गलत साबित करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।